महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था फिर से तेजी की तरफ बढ़ रही है। देश में निर्यात ने अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच $95 बिलियन का निर्यात हुआ है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी तिमाही में सबसे ज्यादा $90 बिलियन का निर्यात हुआ था। इंजीनियरिंग, चावल, ऑयल मिल और समुद्री उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात इस साल जून तिमाही के दौरान बढ़कर $95 अरब हो गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि वर्ष मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र का प्रदर्शन भी ठीक रहा है। इसके साथ ही कोविड महामारी के बावजूद एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा 2020-2021 में 81.72 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ के करीब FDI भी देश में आया है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021, इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में $95 बिलियन $95 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है।